दशाश्वमेध घाट काशी का सबसे प्राचीन घाट। यह घाट अतुल्य भारत का एक हिस्सा है। यहाँ हजारों पर्यटक रोज आते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण गंगा आरती है। ये क्या, ये तो यहीं खत्म हो गया। चलो अपने तरीके से करते हैं। पता है, अगर किसी चीज के बारे में जानना हो या उसका महत्व जानना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो उसका इतिहास पढ़ लो और या तो उसके पीछे की कहानी जान लो। अब मैं इतिहास का टीचर तो हूँ नहीं, तो मैं सुनाऊंगा कहानियाँ। तो आइए जानते हैं आज दशाश्वमेध घाट के बारे में। दशाश्वमेध घाट ये हमारे यानी सिर्फ काशी वासियों के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। पर क्या आपको पता है, दशाश्वमेध घाट का पहले नाम रुद्र सरोवर हुआ करता था। ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर मद्राचल पर्वत पर रहा करते थे और काशी में राजा देवोदास राज करते थे। और यहीं से शुरू होती है दशाश्वमेध घाट की कहानी। अब देवोदास बड़े प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वचन मांगा कि जब तक वो काशी में राज करें तब तक स्वर्ग के लोग काशी से दूर ही रहें। ब्रह्मा जी ने इस शर्त पे वचन दिया कि देवोदास काशी में रहने वाले और काशी में आने वाले सभी लोगों की उनके धार्मिक क्रियाकलापों में सहायता करेंगे। अब क्योंकि देवोदास बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बड़े उदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने काशी को पूरे धरती की सबसे आनंदमय जगह बना दी। और वहीं दूसरी तरफ भगवान शंकर, जब उनको पता चला कि अब वो काशी नहीं आ सकते हैं, वो ये जानकर बड़े दुखी हुए हैं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों ना देवोदास को उकसाया जाए ताकि वो कोई गलती करे और फिर से भगवान शंकर वापस काशी आ सके। तो सबसे पहले उन्होंने 64 योगिनियों को काशी में भेजा ताकि वो यहाँ पे आए, शोरगुल करें, यहाँ की शांति को भंग करें। पर जब 64 योगिनियां काशी आईं तो उन्हें लगा कि ये कोई स्वर्ग का ही हिस्सा है और वो यही रह गई। फिर जब भगवान शंकर को पता चला कि 64 योगिनियां फेल हो गई हैं, तो इस बार उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया, क्योंकि सूर्यदेव बड़े ज्ञानी थे, तो उन्हें लगा कि वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। सूर्यदेव काशी आए, तरह तरह के भेष बदल कर राजा के पास अपनी समस्या का समाधान लेने गए, कभी साधु बनकर तो कभी व्यापारी तो कभी ब्राह्मण, और हर बार उनकी समस्या का उन्हें हल मिलता गया, वह भी फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं वापस भगवान शंकर के पास जाऊंगा तो जो उनका प्रतिक्रिया होगा वो अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए वे भी काशी में ही रह गए। अब कुछ समय बाद भगवान शंकर को पता चला कि सूर्यदेव भी फेल हो गए हैं, तो वे बड़े दुखी हुए हैं। और इस बार वे ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी अब आप ही कोई हल निकालिए। तो ब्रह्मा जी काशी आते हैं ब्राह्मण का वेश धर के और राजा के पास जाते हैं एक दशाश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपकी इस यज्ञ में सहायता करेंगे, आपके सारे सामान हम उपलब्ध कराएंगे। और ब्रह्मा जी इसी रुद्र सरोवर घाट पर बैठ करके दशाश्वमेध यज्ञ करते हैं। और क्योंकि ये यज्ञ भी देवोदास की ही सहायता से हुआ रहता है, तो स्वयं ब्रह्मा जी भी फेल हो जाते हैं। और उसी दिन से ब्रह्मा जी के इस बड़े यज्ञ की वजह से इसका नाम पड़ता है दशाश्वमेध, दश अश्वमेध यानी दश अश्वों का बलिदान, और तब से बना रुद्र सरोवर दशाश्वमेध घाट। अब आप मुझसे पूछेंगे तो इस कहानी से हमें क्या मिला, दशाश्वमेध घाट हिंदुओं के आस्था का इतना बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र क्यों है? तो दशाश्वमेध घाट इस बात का प्रतीक है कि काशी धरती की सबसे आनंदमय जगह है। वैसे क्या आपको पता है कि काशी का नाम आनंदवन भी है। दशाश्वमेध घाट इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोग इतने प्रतापी, इतने उदारवादी और इतने धार्मिक हैं कि यदि देव भी अपनी समस्या लेकर के आए तो उनको यहाँ पर अपना हल अवश्य मिल जाता है। दशाश्वमेध घाट
इस बात का प्रतीक है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है। दशाश्वमेध घाट इस बात का प्रतीक है कि स्वयं ज्ञान के देव सूर्य देवता यहाँ निवास करते हैं और इसीलिए काशी ज्ञान की नगरी है। तो आइए एक छंद के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि छप्पन विनायक हैं बल बुद्धिदायक हैं प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं और आस आदि भूत लाठ संगार व छत्रपाल काल व बटुक रूप भैरव विराज हैं और 64 योगिनियाँ हैं करती जहाँ निवास पूजन विधि का मानो दिव्य साज बाज है और विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्धनारीश्वर रूप किन्नर समाज है कि विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्धनारीश्वर रूप किन्नर समाज है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।